हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक बच्चे ने सुबह सुबह कॉल किया और बोला, सर मुझे लैपटॉप लेना है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा लैपटॉप लूं। आप लोग भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सर मुझे लैपटॉप अच्छा वाला लेना है, अपग्रेड करना है अपने लैपटॉप को। सबके अंदर थोड़ी थोड़ी इच्छा होती होगी डेफिनेटली। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देता हूँ कि भाई कौन सा लैपटॉप चाहिए, उसको मुझे भेजना ही था कि वाला ले लो। तो वीडियो के रूप में आप सबकी भी हेल्प हो जाएगी। गाइस, सबसे पहले ये समझो कि जो हम लोग का वर्क है, मीन्स जो हम लोग एक्चुअल में जो मॉडलिंग करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं, इसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हाई कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो आप सॉफ्टवेयर चलाओगे तो आपका मन थोड़ा सा जाएगा, यार क्या धीरे धीरे चल रहा है। टेक्ला जैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, 3ds मैक्स चलाना है, इनके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप चाहिए। अब कई लोगों के पास बजट का इशू रहता है और कई लोगों को लगता है यार मुझे EMI पे लेना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, चाहे EMI पे ले रहे हो या फिर आपके पास बजट कम है, तो जो बेस्ट लैपटॉप मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो, जो मैं यूज किया हूं और जो मैं अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं। गाइस, अगर आपके पास 60 के आसपास, मतलब 60,000 के आसपास का बजट है, ठीक है, अब ये सबके पास नहीं होता है, बट जो लोग भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मॉडलिंग मतलब फैशन मॉडलिंग वाला नहीं, मॉडलिंग इन द सेंस की 3D व्यूज, वॉक थ्रू, रेंडर अच्छे अच्छे निकालने हैं, ऐसे लोगों को 60 के नीचे लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। ये मेरे पास एक लैपटॉप है HP पवेलियन सीरीज का, मैं खुद भी इसको यूज कर रहा हूँ। किसी को कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये सब दिमाग मत लाना कि सर कोई एक लैपटॉप बता रहे, भाई जो मैं चला रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, जस्ट HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे साथ, मेरे लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ। राइजन 5 का प्रोसेसर है, ठीक है, जो मेरा है राइजन 7 है, बट मैं राइजन 7 इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो 80,000 के ऊपर चला जाता है और आपका अभी आप स्टूडेंट हो, 80,000 रुपये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको चाहिए, आपके पास बजट है तो ले लेना वो, बट मैं राइजन 5 आपको प्रीफर करूँगा, अच्छा चलता है। इसमें 8GB आपका रैम है, ठीक है, 8GB रैम काफ़ी होता है मतलब हम लोग के लिए। 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, वो भी NVIDIA का है, तो NVIDIA का जो ग्राफिक्स कार्ड है सिविल इंजीनियरिंग के सारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करता है, मैंने लगभग सारे चलाए हुए हैं। विंडो 10 इसके अंदर आता है तो उसका भी टेंशन नहीं रहता है। इसका जो साइज है वो भी अच्छा है, मतलब स्क्रीन जो है थोड़ी बड़ी है तो काम करने में भी मज़ा आता है। अगर छोटे से लैपटॉप में हो, आपको ऑटोकैड में कुछ ड्राफ्टिंग कर रहे हो, क्लियरनेस नहीं आती उस लेवल की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से ये वाला लैपटॉप प्रीफर कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें आपका सारा कुछ हो जाएगा, मतलब जो आप काम करना चाहोगे सब हो जाएंगे। आप सोचोगे सर बजट क्या है इसका, तो अप्रॉक्स इसका 62,000 का इसका बजट है। कितने का है? 62,000 का। तो अभी लोगों का मैंने रेटिंग भी पढ़ा है इसके अंदर, प्लस मैंने खुद भी यूज किया है। अब इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, देखो इसमें क्या है कि आपका NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड मैंने आपको बता दिया इसमें, उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, उसमें रैम 16GB तक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा लैपटॉप लेने के बाद 2,000 रुपीज खर्च कर देना, 2,000 रुपये का आपको 8GB ग्राफिक्स कार्ड, 2,2200 रुपये का आएगा 8GB ग्राफिक्स कार्ड आएगा, इसके साथ लगा देना, उससे क्या होगा 16GB रैम हो जाएगा और इतना खतरनाक चलेगा कि आप चाहे जो चलाइए 16GB रैम में, ठीक है, क्योंकि मैं 16GB रैम ही यूज़ करता हूँ, बट इसमें 8GB है। और क्योंकि 16GB लेने जाओगे तो 1,00,000 के ऊपर चले जाते हैं लगभग लैपटॉप, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाहर से 8GB एक्स्ट्रा खरीद के लगा देने का। तो 16GB रैम आपका यहाँ पर हो जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्लॉट वगैरह सब इसके अच्छे हैं ही, सारी रेटिंग्स लोगों के अच्छे हैं। तो इसमें से अलग अलग देखो, ये जैसे कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ये वाला है, इसमें थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे तो ये 67 का है, ये 66 का है, ये 6.9 का है। तो ये लगभग सारे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, सिर्फ उसी में थोड़ा बहुत अपग्रेड हुआ है जैसे जैसे आप रेंज में चले जाओगे। तो इस रेंज का सबसे बेस्ट लैपटॉप 62,000 का ये मुझे लगा, तो मैंने भी अपने स्टूडेंट को यही प्रीफर किया और उसको यही लेना चाहिए, तो जिससे कि उसका सारा काम हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का। और इसका 4-star भी है, तो 4-star भी एक अच्छा स्टार है, 3.9 है, बट चलता बहुत अच्छा है लैपटॉप। अब एक चीज और सजेशन देना चाहूँगा मैं कि कई ऐसे लोग होंगे जिनका 60 के आसपास का रेंज नहीं होगा, मतलब बजट नहीं होगा उसका, तो भाई देखो मॉडलिंग के लिए तो 60 का लैपटॉप आपको लगेगा, अगर अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो, काम प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो कुल मिला के आपको ये अच्छे से परफॉर्म करके दे देगा। अब मैं बात करता हूँ कि इससे कम बजट में अच्छा लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए हमें, उसके साथ ही साथ आपको बता दूँ कि और कुछ डिस्कशन करना है तो आज इवनिंग में
8 o'clock पे फिर से लाइव आ रहा हूँ, हर संडे को आ रहा हूँ। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू लैपटॉप, रिलेटेड टू करियर, आओ यार बातें करते हैं, डिस्कस करेंगे, बहुत से क्लैरिफिकेशंस आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो 8 बजे अगर फ्री रहना तो मोबाइल में क्लिक कर देना, वैसे नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं गया तो भी आ जाना। चलिए, तो अब जो आपके बजट में अगर ये लैपटॉप नहीं आ रहा है, मतलब 60,000 का आपका बजट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबका रहता है, स्टूडेंट लाइफ में सबके पास नहीं रहता 60,000 का बैकअप, तो अब उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप यहाँ आ जाना, ठीक है। ये लैपटॉप भी बेहतरीन चलता है, लिनोवो आइडिया पैड, ठीक है। और ये मेरे एक स्टूडेंट ने यूज़ किया था, तो मैंने देखा था कि बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट स्पीड इसकी भी है, और इसमें लगभग हमारी सारी रिक्वायरमेंट, मतलब 8GB रैम मिल जा रहा है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1TB हार्ड डिस्क है। क्या है 1TB आपकी हार्ड डिस्क है, विंडोज 10 है, एमएस ऑफिस है, इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स कार्ड है, बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर वो क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड एक्स्ट्रा नहीं पाते हो, मतलब कि जो 4GB 2GB ग्राफिक्स कार्ड है वो आप नहीं पाते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 4GB एक्स्ट्रा या 2GB एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है तो आप उसको ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये परफॉर्म अच्छा करता है, ग्राफिक्स मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, स्ट्रक्चर लाइक staad.pro, ईटैप, ऑटोकैड, इन सबको चलाने के लिए बेस्ट है। लेकिन 3ds Max चलाना है आपको, टेक्ला चलाना है आपको, और वॉक थ्रू के लूमियन चलाना है, ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये लैपटॉप ले लो। अब आपके ऊपर दोनों मर्जी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो। और ये दोनों लैपटॉप का मुझे रेटिंग अच्छा लगा, दोनों लैपटॉप का जो रिव्यूज़ लोगों ने दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, और इसका हिंज वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, लंबा हिंज है, हिंज का प्रॉब्लम आता है जब सस्ते वाले लैपटॉप ले लो तो, लेकिन इसका हिंज जो है बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी जॉइंटिंग है, ठीक है जी। और आप इसको ले सकते हो क्योंकि इसके लोगों के ग्राफ मुझे अच्छे लगे रिव्यू कुल मिला के, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एचडी लेवल की आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचडी होना, अदरवाइज अगर सस्ते लैपटॉप लेंगे तो उसका डिस्प्ले जो रहेगा वो 1080 तक ही रहता है, बट ये 1920 और मतलब एचडी क्वालिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, आपको होप अच्छा लगा होगा, इवनिंग में 8 बजे आओ और हम लोग क्या बोलते हैं डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जिसके जिसके भी लैपटॉप के इशू थे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक ये है क्या, ये चेक करने का कि प्राइस कब ज़्यादा है कब कम है, मुझे इसका एक्सटेंशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसका प्राइस मतलब कब ज़्यादा हुआ कब कम हुआ, मिनिमम कितना प्राइस हुआ है मुझे यहाँ से पता चल जाता है। तो एवरेज प्राइस इसका 57,000 का भी मिला हुआ है, बट ये ऑफर में मिला है 57, अभी के लिए जो है 62,000 का है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लो, और साथ ही साथ यूनिक में 8 बजे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। अगर अच्छा लगा है तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको लैपटॉप वगैरह अभी परचेस करना है उनको ये शेयर कर दो, प्लस ये भी बोल देना कि सर ने ये भी बोला है कि ये स्टार्टिंग है बेस्ट लैपटॉप का, अगर वो चाहें तो यहाँ पर से कोई भी जो HP पवेलियन सीरीज है, पवेलियन सीरीज अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप ले लो, आपको 67 का है ये ले लो, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड कर दिया है और राइजन 5 ही है, बट राइजन 5 का ये सीरीज है, ठीक है। ये देखो 4600 है इसका जो रहेगा, थोड़ा सा लो रहेगा ये 3550 है। तो कुल मिला के आपके लैपटॉप में थोड़ा सा अपग्रेडेशन में थोड़े थोड़े चार्जेस बढ़ाते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत गाइस।